बच्चे कभी ना कभी तो घर से दूर जाते हैं, आज नहीं तो कल। जेन, लिली, ये तुम्हारे लिए है। वाह, घर की चाबियाँ। हम और क्या ही सपना देख सकते थे। जरा सोचो जेन, हमारा अपना घर होगा और कोई पेरेंट्स नहीं, तो हमारी नई जगह कहाँ है? ओह, मैं समझ गई। मॉम और डैड ने पैसे बचाने का फैसला किया है। कोई घर नहीं होने वाला। ये गाड़ी की चाबियाँ हैं और ये वैन महल के आसपास भी नहीं है, लेकिन है। ये और भी खराब हो सकता है। गाड़ी मैं चलाऊंगी। यहाँ बहुत आरामदायक महसूस हो रहा है और सनग्लासेस भी अच्छे लग रहे हैं। और हॉर्न के बजाय हम इस बतख का इस्तेमाल करेंगे। लिली, देखो यहाँ कितनी जगह है। विश्वास नहीं हो रहा कि वैन में इतनी जगह है। ठीक है, ये गाड़ी हमारा नया घर होगी। तुम्हें क्या लगता है लिली? लेकिन पहले हमें सजावट करनी होगी। एक अच्छा रग सब कुछ बढ़िया और आरामदायक बना देगा। ध्यान रहे ये बिल्कुल फ्लैट हो। हो गया, अब ठीक है। एक और अच्छी खबर है, पीछे की सीट मुड़ जाती है। ये एक आरामदायक सोफा बन सकती है। हम इसके ऊपर एक कंबल डाल देंगे। बिल्कुल सही, लेकिन हमें एक और सोफे की जरूरत है, नहीं तो किसी को नीचे सोना पड़ेगा। जेन, क्या तुम आ रही हो? इसे यहाँ लाओ। ये नरम मैट्स बहुत आरामदायक कुर्सी बन जाते हैं। और कंबल और तकिए, ये सब वैन में आराम के लिए। और ऊपर की और एक स्ट्रिंग, खींचो और बांधो। चलो बैठने की जगह को इन पर्दों से बांट दें। हो गया, मुझे उठाना मत। अरे, ये सोने का वक्त नहीं है, हमें काम करना है। ओह हाँ, ठीक है। आगे क्या करना है? हमें यहाँ कुछ पौधों की जरूरत है। ये घास का पैनल यहाँ लगेगा। ड्राइविंग एरिया को रहने की जगह से कैसे अलग कर सकते हैं? हमारे रंगीन शिफॉन को निकालने का वक्त आ गया। और इस ब्राइट कपड़े को पूरी तरह इस्तेमाल करना है। उसे ऊपर वाली खिड़की से बांध दो और सीट्स पर फैला दे। हम अपनी मनपसंद रैक के बिना नहीं रह सकते। चलो इस पर अपनी मनपसंद चीजें रखते हैं और अपने पौधों को पीछे नहीं छोड़ सकते। मॉम और डैड इसे संभाल नहीं पाएंगे, इसे खास देखभाल की जरूरत है। लिली, फ्लैग्स लगाओ। ये यही होने चाहिए। लाइट्स और गार्लैंड्स के साथ और भी मजा आता है। वैन तैयार है, सामान पैक हो चुका है, तो हम सफर शुरू कर सकते हैं। मॉम, डैड, हमारे बिना उदास मत होना। ये चले हम अपने पहले एडल्ट एडवेंचर पर। जेन और लिली के पास अपनी वैन है और अच्छे एडवेंचर के लिए पूरा समुद्र। एक मजेदार ट्रिप के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब एक ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ रुकेंगे। लिली, देखो ये कितना सुंदर है। बाहर सोना कैसा रहेगा? हमारे पास एक हैमक भी है। शुक्र है कि हम इसे अपने साथ ले आए। एक किनारे को पेड़ से बांधे और दूसरे वाले को वैन से बांधे। ये अच्छे से बंधा है, चिंता की कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पर कंफर्टेबल होना चाहिए। वैन में बहुत सारे कंबल और तकिए हैं, सबके लिए बहुत है। थोड़ा आराम कर लो लिली, और मैं यहाँ नजर रखूंगी। सफर पर भी आप अपना रूटीन नहीं तोड़ सकते। जल्दी से उठ जाओ, एक नया दिन शुरू करने का वक्त है। और सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। हमें हमेशा शेप में रहना चाहिए। दौड़ लगाना और जिमनास्टिक करना अच्छा वर्कआउट है। और आखिर में पुलअप्स। लिली और जेन को स्पोर्ट्स में काफी एक्सपीरियंस है। चलो भी बहन, कोशिश करो। चलो अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग करें। और वार्म अप के बाद हम खूबसूरती पर वक्त बिता सकते हैं। बस एक फेस मास्क की जरूरत है। इस डिब्बे में कितना कुछ है। जेन, क्या तुम सुंदर बनने के लिए तैयार हो? ये लो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें मास्क पहने देख लेगा। और वक्त बर्बाद क्यों करना जब आप अभी एक टेम्परेरी टैटू बना सकते हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए? चलो काउंटिंग आउट से फैसला करते हैं। लिली को वो प्यार से डॉल्फिन मिली है और जेन को बर्ड मिलती है। बस कुछ मिनट और टैटू तैयार है। ये बिल्कुल असली जैसा दिखता है, लेकिन आप चाहें तो इसे हर दिन बदल सकते हैं।
है कि एक ट्रिप पर होना बहुत मजेदार होता है, पर अभी भी नहाना तो चाहिए ही ना। इससे कुछ खास खुशबू नहीं आ रही बहन। चलो एक कैंपिंग चार बनाते हैं। है। ये बहुत आसान है। हमें एक हुला हूप और एक ऑयल क्लॉथ चाहिए, और हमारा बाथरूम ठीक यही होगा। पर्दों को हुप पर लगा दो, एक एक हुक पर। बस चार स्टॉल को पेड़ पर बांधना बाकी है। एक रस्सी काम आएगी। बस हो गया, हैंगिंग शार्ट तैयार है। सबसे पहले कौन जा रहा है? जब तक एक नहाएगा, दूसरा नल का काम करेगा। हालांकि ये एक 5-स्टार होटल नहीं है, लेकिन ये कैंपिंग के लिए बढ़िया है। अब तुम्हारी बारी है लिली। पेरेंट्स बहुत दूर हैं। अब मुझे अपनी पॉकेट मनी कहाँ से मिलेगी? ये लंच के लिए भी काफी नहीं है। मुझे पता है कि क्या करना है जेन। अब से हम एक एंटरप्रेन्योर है। हम हॉट डॉग्स बेचेंगे। रेसिपी बहुत आसान है। कुछ सॉसेजेस को तलें और उन्हें एक बन पर रख दें। हाँ, और केचप मत भूलना। चलो चखते हैं। स्वादिष्ट। ऐसे हॉट डॉग्स के साथ हम मिलियनेयर बन सकते हैं। देखो, वो आ गए हमारे पहले कस्टमर्स। एडवर्टाइजिंग की कोई जरूरत नहीं है। कस्टमर्स अच्छी खुशबू से खींचे चले आएंगे। लाइन में लग जाओ दोस्तों। बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और पहले हॉट डॉग्स बिक गए हैं। मजे करो। जब आपकी गाड़ी ही अपना घर हो, तो आप जंगल में भी पैसे कमा सकते हैं। और कुछ पैसों के लिए आप कंबल भी किराए पर दे सकते हैं। बढ़िया स्टार्टअप है। कितनी अच्छी वेकेशन है। है। लेकिन अगर हमने फोटोशूट नहीं किया, तो हमारे किसी भी दोस्त को विश्वास नहीं होगा कि हम इस ट्रिप पर आए थे। चलो कैमरा निकाले बहन। मुस्कुराओ, तुरंत फोटोज निकलना एक चमत्कार है। ये बढ़िया आई है। चलो फोटोशूट जारी रखे। लिली बहुत अच्छी मॉडल है और जेन को भी पोज करना आता है। ठीक है, चलो ऐसा दिखाते हैं जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ। किसी को भी जानने की जरूरत नहीं है कि जेन के पास अभी तक लाइसेंस नहीं है। हो गया, अब तुम पूरी फोटो कलेक्शन देख सकती हो। या बेहतर होगा कि तस्वीरों से एक सुंदर गार्लैंड बनाएं। एक रस्सी पर क्लोथ पिन से तस्वीरें लगाएं। जल्दी और आसान। और तैयार है हमारे सफर की तस्वीरें। और वक्त के साथ गार्लैंड पर नई तस्वीरें लगती रहेंगी। सिर्फ इंटरनेट ही हमें बोरियत से बचा सकता है। लेकिन ये अब एक फोन भी नहीं रहा। ये बस एक स्क्रीन वाली बेकार सी चीज है। क्या बाहर ठीक से चलेगा? चलो भी इंटरनेट, इसको कोई फायदा नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट के बिना जिंदगी एकदम बेजान हो गई है। लिली, मुझे पता है कि क्या करना है। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? अगर आप टिकटॉक नहीं चला सकते, तो टिकटॉक आपके पास आ जाएगा। देखना है कि अभी ट्रेंड में क्या है। तुम मजे करो। जेन के पास अभी भी बहुत सारे आइडियाज हैं और ट्रिक्स भी। वाह, ये तो क्रिएटिव है। वैसे जेन कब से इसकी प्रैक्टिस कर रही थी? और अब कॉन्सर्ट। ये मेरी बारी बहन। जब म्यूजिक की बात आती है, तो लिली और जेन हमेशा एक जोड़े की तरह काम करते हैं। आखिर इंटरनेट के बाहर भी एक जिंदगी है। वैन में ट्रिप कामयाब रही, लेकिन सभी अच्छी चीजें कभी न कभी तो खत्म हो जाती हैं। घर जाने का वक्त हो गया है। उनके पेरेंट्स उन्हें याद करने लगे हैं, लेकिन उनकी भरोसेमंद वैन के साथ वो कभी भी एडवेंचर पर जा सकते हैं। क्या आपको ट्रिप अच्छी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो हमें लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें। टूम टूम सिलेक्ट की कोई भी दिलचस्प चीजें मिस ना करें।